हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो देखिए, आज है करवा चौथ, तो आप सबको पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और अब मैं घर का सारा काम सब कुछ फिनिश करके हो गई हूँ रेडी, और अब करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी, और फिर शाम का खाना भी बनाना होता है, और पूजा कथा सब कुछ। तो सब की मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी तो वो अब आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, प्लीज वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। और ये भी बताइएगा कि मैं आज आपको रेडी होने के बाद कैसी लग रही हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ आपको आगे वीडियो में। ये मिठाई मुझे खानी नहीं है, तो मैंने सोचा घर पर ही बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। और अभी आपको बेसन भुन गया है, अब इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं बूरा डालकर बना लूँगी लड्डू। तो देखिए, लड्डू मैंने बना लिए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और यहाँ मैंने लगा दिया है आलू की सब्जी में तड़का। मैं बनाऊँगी सूखे आलू की सब्जी और तो शाही पनीर। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा देसी घी डालकर अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर प्याज इन सब सारी चीज़ों को डाल लिया है। और अब इनको करूँगी मैं फ्राई। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, तो देख लीजिए मेरा ये मसाला हो गया है फ्राई। और अब मैंने इसको डाल लिया जार में, और अब मैं इसको पीस लूँगी। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी, वही कढ़ाई जिसमें मैंने ये मसाला फ्राई किया, उसमें मैंने डाला है तेज़पात, जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब तड़क गया था तो मैंने वो मसाला जो पीसा था वो डाल दिया। और फिर इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक पाउडर, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब कुछ डाल दिया है। और अब मैं इनको भी, सूखे मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। तो जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते, तब तक मैं इनको मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी। और मसाले मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ डाल दी है थोड़ी सी दही। और अब इसको, दही को भी मैं लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि दही ना फट जाती है अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगी। तो मैं इसको ऐसे चलाते हुए भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी मलाई। फिर ये मैंने डाल दी है मलाई। अब मलाई को भी मैं मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी, जब तक ये हमारी ग्रेवी तेल नहीं छोड़ देती तब तक। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस फिर डाल दूँगी, पानी में उबाल आ जाएगा तो पनीर। तो देखिए, यह मैंने अच्छे से मलाई को पका लिया है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए। आपको जैसी भी ग्रेवी रखनी हो, आप वैसा पानी डाल लें, उतना पानी डाल लें मतलब। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पनीर, क्योंकि ग्रेवी में मेरी उबाल आ चुका था। और बस अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे, और हमारी शाही पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। इधर मेरी सूखे आलू की सब्जी भी बनकर तैयार है, और दोनों में मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और सब्जी बस बन गई है। अब हम कर देंगे गैस को बंद, और गैस मैंने बंद कर दिया है, ये देखिए बस खाना बन गया है पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कथा पढ़ ली है और 6 बज गए हैं, खाना भी बनकर तैयार है। तो अब सोच रहे हैं क्या करें जब तक चांद निकलता है, और मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं आप। बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरा सूट कैसा लग रहा है आप सबको। ये देखिए, अंधेरा है थोड़ा, आज बादल भी हैं इसलिए इतनी क्लियर नहीं आ रही है फोटोज। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं मेकअप करने के बाद आपको कैसी लग रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में देखते हैं डांस वगैरह का प्रोग्राम, अभी तो बहुत टाइम है चांद निकलने में, तो डांस करेंगे उसके बाद चांद निकलने तक। ये मेरी चूड़ियाँ, और आप मेरी मेहंदी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितना अच्छा कलर आया है मेहंदी का।
तो चलिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। देखिए फ्रेंड्स, आज का मौसम कितना खराब है, बारिश आ रही है, पता नहीं चांद भी कैसे निकलेगा। फोटोशूट भी अच्छा नहीं हो पाया हमारा, क्योंकि आ ही नहीं रही है फोटोज अच्छी। तो आपके वहाँ कैसा मौसम है बताइएगा जरूर। हम लोग छत पर आए थे तो कोई फायदा नहीं हुआ छत पर आने का, बहुत अंधेरा है बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूंगी अपनी करवे की पूजा और मम्मी डैडी को दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। पूजा मेरी हो गई है और मम्मी डैडी को मैंने करवा दे दिया। नीचे डांस कर रहे थे फ्रेंड, तो चांद निकल आया है। जब तक चांद पूरी तरह निकलता है तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ दिया मैंने जला लिया है और अब ये चुन्नी मैं ले लूँगी अपने सिर के ऊपर। और इसमें ना जो कथा सुनते वक्त मैंने चावल और दूध रखा था, तो वो मैं अपने करवे पे रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने करवे के साथ एक सॉन्ग होता है हमारे यहाँ पर, वो गाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। लाइट तो ये मैं 7 बार करूँगी और उसके बाद फिर छलनी से चांद देख कर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो अब मैं करवे से अपने चंद्र देवता को जल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए ऐसे, आपके वहाँ कैसे पूजा करते हैं, आप लोग भी ऐसे करते हैं या नहीं ये भी बताइएगा। तो पूजा मेरी हो गई है फ्रेंड्स और हमने व्रत भी खोल लिया है। अब चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है और खाना भी तैयार है, तो खा लेते हैं खाना। तो यही था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओम साईं राम। सबको मेरी बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ।